हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंदौर एयरपोर्ट पे और यहाँ से जा रहे हैं अभी मुंबई कुछ ऑफिशियल ट्रिप के लिए। तो मुंबई की सारी फ्लाइट्स जो है अभी काफ़ी डिले चल रही हैं ड्यू टू रेन एंड हैवी मॉनसून। अभी 15 मिनट डिले बता रहे हैं, आगे देखते हैं कितना लेट होती है। शॉर्ट ट्रिप रहेगा 3 दिन का मुंबई का, वीकेंड है तो देखते हैं क्या फन कर सकते हैं। Finally, we have come to the lounge. Flight is just 10 minutes delayed. So, जब तक कि लॉन्च पर बैठते हैं, चिल करते हैं। It's raining heavily at Mumbai, as usual. Flight में हमको बैठे हुए थे पिछले 15-20 मिनट से, ताकि बारिश थोड़ी धीरे हो जाए, अदरवाइज हम लोग डिले हो सकते थे। Airlines did not allow to get down during the heavy rains. अब लग रहा है घर पहुँचने में कम से कम आधा पौन घंटे का वेट करना पड़ेगा। ओला मिलती है कि नहीं मिलती है लेट से। आफ्टर वेटिंग फॉर 20-25 मिनट्स नाउ वी हैव प्रोसीडेड टूवर्ड्स द टर्मिनल। सामान कितनी देर में आएगा, कैब कब मिलेगी, ऑलरेडी फ्लाइट आधा घंटा लेट ही, तो 11 बज चुके हैं। मेरे को लग रहा है 12:30 बज जाएगा घर पहुँचने में, बट रात के समय एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लाइट्स अच्छा लग रहा है, कोई 5-स्टार होटल लाइट्स, ग्लास बिल्डिंग, ह्यूज टर्मिनल। सामान तो जल्दी आ गया, बट पूरा गीला हो गया सामान बारिश की वजह से। ये सारे लोग जो हैं ओला के लिए वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कम से कम 100 लोग हैं जो ओला के लिए वेट कर रहे हैं। ये पूरा ओला का ही स्टैंड है। हम इतने बार मुंबई आ चुके हैं, बट उसके बाद भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम मुंबई आएगा, स्पेशली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, तो हो सकता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाए, उसको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। इतने सारे रास्ते, इतने सारे रोड, इतनी सारी पार्किंग, और कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं खुद 20 बार कम से कम मुंबई आ चुका हूँ, और हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जाना कहाँ है, क्योंकि साल में 1 या 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं तो भूल जाते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरे ओला के वेटिंग है, लोग खड़े हुए हैं सिर्फ अपने ओला के वेट करते हुए। कहाँ से आएगी, कहाँ लेके जाएगी, पता नहीं। तो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 30-35 मिनट्स हमारी कैब आ गई है, और अब जा रहे हैं सिस्टर के घर। अगर आप T2 टर्मिनल पे आते हैं मुंबई के, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो आप किसी से भी पूछ के P4 पार्किंग में आ जाइए। P4 से ही आपको ओला और ऊबर दोनों की कैब्स मिलेंगी। एक तरफ ऊबर का स्टैंड है और दूसरी तरफ जो है ओला का है, तो थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, बट P4 पार्किंग है जहाँ पे आपको ओला ऊबर दोनों मिल जाएगा। वेटिंग काफ़ी लंबा है, जितनी भी कैब्स खड़ी हुई हैं सब ओला ऊबर की पार्किंग की कैब्स हैं। लाइफ इन मुंबई इज़ टफ, स्पेशली इन मानसून इज़ वेरी वेरी टफ। आधे घंटे के रास्ते जाने के लिए 40 मिनट का आपको कैब का वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, उसके बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे
की फ्लाइट थी और एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद घर पहुंचने में लग गया करीब 1.5 घंटे। तो दिस इज मुंबई लाइफ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमको निकलना है 7 बजे। मौसम आप देख सकते हो कैसा हो चुका है। मौसम अच्छा तो नहीं है बट बहुत डरावना हो गया ऐसा लग रहा है। बहुत तेज़ हवा और बारिश। मुंबई का जो वेदर रहता है बहुत बड़े डे। हम लोग आए थे सोशल मलाड में पार्टी करने के लिए। नाउ गोइंग बैक टू होम। इट्स ऑलरेडी 1:15 AM। सो इट वॉज अ क्वाइट गुड इवनिंग, गुड नाइट। और काफ़ी समय के बाद क्लबिंग की, मज़ा आया। वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग डे। ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स की ट्रिप थी। 3 घंटे जाना बोरीवली से थाने, देन थाने से वापस बोरीवली 3.5 घंटे। तो इट वॉज क्वाइट अ गुड डे। आज है वापस जाने का दिन मुंबई से रायपुर। सो होपफुली आज फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। कल बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी ड्यू टू द आउटेज एट माइक्रोसॉफ्ट। सो वी आर एट द डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है मुंबई का। नाउ गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। डर यही लग रहा था कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए क्योंकि कल मोस्टली फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। ओल्ड वाले एयरपोर्ट में फील नहीं आता एयरपोर्ट वाला, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पुराना एयरपोर्ट है। तो बैक टू इंदौर आफ्टर अ 3 डेज मुंबई ट्रिप। के बॉक्स के लिए निकले हैं शाम को। कहाँ जा रही हो? हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव बोलो। जय जय शिवलिंग को देख के जय जय कर रहे हैं। कैसे करते हैं जय जय? हर हर महादेव। जय हर हर महादेव। अजी दूर जाती है।